खबरों पर इशरात में ब्रेकिंग न्यूज दबाकर इंदालो सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन कर पो है। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मार आईएसपीआर तरफा जारी कल बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दन में शदीद फायरिंग की डेवट से ब दहशतगर्द मार आईएसपीआर मौजूद दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन 18 और 19 अगस्त की रात विच में मार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस से हमलन शहर के कत्ल में मुलविस हुआ। अहम खबर का नाजरीन अपडेट कहूँ सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मार आईएसपीआर तरफा जारी कल बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दन में शदीद फायरिंग की डेवट थे ब दहशतगर्द मार आईएसपीआर मौजूद दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन 18 और 19 अगस्त की रात में मार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस से हमलन शहर के कत्ल में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मार आईएसपीआर तरफा जारी कल बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दन में जदीद फायरिंग की डेवट थी ब दहशतगर्द मार आईएसपीआर मौजूद दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन 18 और 19 अगस्त की रात में मार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस से हमलन शहर के कत्ल में मुलविस हुआ। ब्रेकिंग न्यूज तवां के दूं पिया सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मार आईएसपीआर तरफा जारी कल बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दन में शदीद फायरिंग की डेवट थी ब दहशतगर्द मार आईएसपीआर मूजिब दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन 18 और 19 अगस्त की रात में मार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस से हमलन शहर के कत्ल में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पारा खैबर के इलाके बाड़ा में दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द मार अपडेट्स लाबतों के इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी तजी निगार सिदीक साजिद सा। सिदीक साहब आईएसपीआर का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? तफसीलात जारी की हैं, उसके मुताबिक ये दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतलात मिली थी बाड़ा के इलाके में। जिला खैबर का ये इलाका बाड़ा है, तो वहाँ पे इतलात मिली थी कि ये वो दहशत गर्द जो है वहाँ पर मौजूद है, जिसके ऊपर वहाँ पे फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान दो दहशत गर्द मारे गए, उनसे बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी जो है बरामद कर लिया गया। और साथ ही साथ ये जो मारे गए दहशतगर्द थे, ये दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकया सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने में मुलव्वस थे। जी बहुत शुक्रिया सिदीक साहब अपडेट करने के लिए।